नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पहाड़। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात करेंगे उत्तराखंड की। पूरे प्रदेश में जहां भीषण बारिश की कहर देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर आ चुकी हैं। लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं जगह जगह हुई, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सेना को पत्र लिखकर मदद मांगी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जरूरत पड़ने पर सेना को बुलाकर उनकी मदद ली जा सकती है। भारतीय सेना ने भी मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि सेना की तरफ से हर संभव मदद उत्तराखंड को की जाएगी। लिखा है कि कहीं पर क्योंकि मूल इत्यादि जो बह गए हैं या लोगों को अगर कहीं निकालना पड़ेगा तो उसमें सेना की भी मदद लेंगे और सेना के लोगों ने आश्वासन किया है कि वो हम लोगों की मदद करेंगे। पंकज पवार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, क्या हालात हैं उत्तराखंड के तमाम जिलों के, आपसे जानेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सेना से भी बातचीत की है, सेना ने भी आश्वासन दिया है। देखिए, अगर कहा जाए तो पहाड़ी जिलों में तो जिस तरीके से भूस्खलन और तमाम जो गदेरे लगातार उफान पर हैं उससे परेशानी तो है, लेकिन असली परेशानी अब मैदानी इलाकों में है जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार में जिस तरीके से लक्सर में लगातार पानी भर रहा है और कल मुख्यमंत्री ने भी वहां पर जाकर निरीक्षण किया था, वो भी स्टीमर से बकायदा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने अभी सेना को पत्र लिखा है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी वो स्थिति नहीं आई है कि सेना को बुलाया जाए, लेकिन सेना को पत्र इसलिए लिखा गया है कि वो तैयार रहे, अगर किसी भी तरीके की आपात स्थिति बनती है तो वो एकदम तैयार रहे मदद करने को। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सेना को पत्र लिखा है। सेना की बैठक के भी खूब हो रही है उत्तराखंड में, बैठकों का दौर भी जारी है, इन बैठकों में क्या फैसले लिए गए? देखिए बिल्कुल, और बैठकों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितना लोगों को राहत पहुंच पा रही है, अधिकारी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जिलों में किस तरीके से रेस्क्यू कार्य जो है वो लगातार चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं और लगभग 2 से 3 बार आपदा कंट्रोल रूम भी मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं। तो इन तमाम चीजों को आप मान सकते हैं कि हालांकि अभी उत्तराखंड में वैसे आपदा के हालात नहीं है जो हिमाचल में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, चारधाम यात्रा की क्या स्थिति है पंकज? एक सवाल ये भी है क्योंकि देश भर से कांवड़िए यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कांवड़ की तो बहुत स्थिति अब जो है बहुत कम लोग हो गए हैं, यानी श्रद्धालु कम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से क्या कह रहे हैं देखिए।